ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء बानिए पाकिस्तान हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों, मस्जिदों और दूसरी इबादत गाहों में जाने के लिए। आप पाकिस्तान की मुमलिकत में बिल्कुल आज़ाद हैं। आप किसी मज़हब, फिरके, अकीदा से ताल्लुक़ रखें, इसका कारोबार सल्तनत से कोई सरोकार नहीं। हम इस बुनियादी उसूल से अपने निज़ाम का आगाज़ कर रहे हैं कि हम सब एक ही मुमलिकत के शहरी हैं, मगर आज पाकिस्तान के हालात तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। क्या मैं पाकिस्तान की जिद्दोजहद में कायदे आज़म के शाना बशाना जमात अहमदिया भी थी, जमात अहमदिया से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत चौधरी सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब को कायद ने ही पाकिस्तान का पहला वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किया। इब्तदा से ही पाकिस्तान के दुश्मन मौलवियों के दबाव में आकर पहले 1953 के फसादात, फिर 1974 में भुट्टो ने सियासी मफादात को हासिल करने के लिए अहमदी मुसलमानों को गैर मुस्लिम करार देने का एज़ाज़ पाकिस्तान की कौमी असम्बली के ज़रिए हासिल किया, और फिर ज़ियाउल हक ऐसे कानून बना गया जिनका सहारा लेकर अहमदियों को बुनियादी इंसानी हकूक तक से महरूम कर दिया गया। याद रहे, कायदे आज़म ने तो कहा था, आप किसी मज़हब, फिरके, अकीदा से ताल्लुक़ रखें, इसका कारोबार सल्तनत से कोई सरोकार नहीं। 28 मई 2010 बरोज़ जुमातुल मुबारक तारीख पाकिस्तान का एक स्याह दिन गुज़रा, जिस दिन 86 फरजंदाने तौहीद को खुदाए वाहिदो यगाना की इबादत करते हुए दो मसाजिद, मस्जिद नूर मॉडल टाउन और मस्जिद दारुज़िक्र गढ़ी शाह लाहौर में, जहां वो नमाज जुमा की अदायगी के लिए इकट्ठे थे, शहीद कर दिया गया। इन मासूम और निहत्ते इबादुल्लाह को जालिमों ने गोलियां बरसाकर और ग्रेनेड फेंककर शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस साने में कुर्बानी का नजराना पेश करने वालों में एक मुकर्रम मुजफ़र अहमद साहिब शहीद इब्न मुकर्रम मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहिब कादियानी दरवेश हैं। शहीद मरहूम अपने हलका के इमामुस्सलात थे, लंबे अरसे तक मजलिस धर्मपुरा में सेक्रेटरी माल रहे। मस्जिद दारुज़िक्र में आपकी शहादत हुई और बवक्त शहादत आपकी उम्र 73 साल थी। आपकी पैदाइश 1937 में हुई, मिडिल तक तालीम हासिल की, और तकसीम हिंद के मौका पर शहीद के वालिद तो दरवेश कादियान बन गए, मगर आपने पाकिस्तान हिजरत की। मेरे दादा दरवेश थे। हज़रत मुस्लिम मौऊद ने पार्टीशन के वक्त जिन दरवेशों को कादियान में रुकने को कहा था, उनमें से एक मेरे दादा भी थे, जिनका नाम मौलवी मोहम्मद इब्राहिम कादियानी है। दादा तो वहाँ रह गए, वालिद वालिद के एक बड़े भाई जिनका नाम मुनव्वर अहमद और एक बहन, ये लोग इधर आ गए। यहाँ आके वालिद ने चिन्योट में एक स्कूल है, वहाँ मिडिल तक तालीम हासिल की। उसके बाद फिर वो उन्होंने रेलवे में जॉब शुरू कर दी। 95 में उन्होंने प्री मेच्योर अपनी रिटायरमेंट ली थी। 1937 उनका ईयर ऑफ बर्थ है, उस लिहाज से उनकी उम्र जो है वो तकरीबन 73 ईयर्स है। शहीद मरहूम ने एक कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारी। बहुत अच्छे। एक दफ़ा हम शादरे से लाहौर आ रहे थे, तो
मतलब टाइम नहीं था तो टिकट नहीं लिए गए, टिकट नहीं लिए गए तो वैसे ही हम आ गए। तो अगली दफ़ा आए तो अपना तो उनका टिकट होता नहीं था, तो मेरे दो टिकट लिए, एक जिस दिन टिकट लेने से रह गए उस दिन का, एक दूसरा। तो रोज़ों के बड़े पाबंद थे, अब भी शहादत से पहले 3 रोज़े पीर मंगल बुध 3 रोज़े रखे हैं, बस थोड़े दिनों के बाद कहना मैंने रोज़ा रखा, तो रखते ही रहते थे रोज़े, नफली रोज़े। पहले ये कि दुकान या सरोस तो चलो एक दफ़ा दिन में तलावत कर ली, अब 5 वक्त 3-4 माह हो गए दुकान छोड़ दी, अब घर ही होते थे। हर नमाज के बाद तलावत, नमाज की तरफ ज़्यादा, बच्चों को नमाज का ही ज़्यादा करते थे, नमाज बहुत अच्छा सलूक करते थे हर एक के साथ, बहुत अच्छा सलूक था सबसे, बहुत अच्छा था। नमाज की तरफ खुद भी तवज्जो थी और दूसरों को भी दिलाते, खासकर दूसरे रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करते। वाली साहब शुरू से तहज्जुद के पाबंद थे, बचपन से लेके आखिरी वक्त तक तहज्जुद पढ़ते रहे हैं, हज का मौका भी मिला है, हज भी किया है। ड्यूरिंग सर्विस उन्होंने 2 साल की छुट्टी लेके सऊदी अरब गए थे, जहां उन्हें हज का मौका मिला, हज किया। जमाती तौर पे उन्हें ये तौफीक मिली कि वो कोई 30 साल के करीब हल्का मुस्तफ़ाबाद के सेक्टरी माल रहे। दीनी लिहाज से वो बहुत से लोगों से बहुत आगे थे, यानी नमाज की मिसाल ले लें, कुरान करीम की तलावत की मिसाल ले लें, या चंदा वक्त पे अदा करने की मिसाल ले लें, या मुआशरत की मिसाल ले लें, रिश्तेदारों से सलूक की मिसाल ले लें, वो रूहानी लिहाज से या दीनी लिहाज से तो बहुत आगे थे, लेकिन दुनियावी लिहाज से भी वो किसी किस्म की बुराई में मुबतला नहीं थे। और उनको देख के कोई भी शख्स जो भी उनके साथ रहेगा कुछ अरसा भी, या उनके जो भी औलाद होगी, या किसी भी शख्स की अगर ऐसी औलाद है, तो वो किसी भी तरह से गलत तरफ नहीं जा सकती मेरे ख्याल के मुताबिक। अब अल्लाह ताला ने हमें कितनी तौफीक दी है ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो एक मिसाली बाप थे दुनियावी लिहाज से भी और दीनी लिहाज से भी। मैं साइप्रस में रहता था, तो मैंने पिछले साल अपने डैड को और मदर को उधर बुलाया था, तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि यार हमने जो है यहाँ पे 70 से 80 साल रहना है, तो यहाँ पे हम पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस चीज़ पे गौर किया है कि हमारे मरने के बाद जहाँ पे हमें लाखों करोड़ों साल ज़िंदा रहना है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो आपने यहाँ से गुज़र जाना है, लेकिन आपको आगे के लिए कुछ करना चाहिए। और नमाज के लिए बहुत ज़्यादा तलकीन करते थे, मैं उनसे उनके साथ उस महीने में काफ़ी टाइम गुजारा था, तो मैंने उनसे एक आधा सवाल किया था, मैंने उनको कहा था कि डैड आप ये जो नमाज़ पढ़ते हैं, आपने कब से ये नमाज़ पढ़नी शुरू की है? क्योंकि मेरी उम्र अब 32 साल हो गई है और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा ज़मीन आसमान इधर से उधर हो जाए। मैं उनका बेटा होने की वजह से गवाह नहीं हूँ, एक आम इंसान होने की वजह से गवाह हूँ कि मैंने कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी, किसी की शादी हो, खुशी हो, गम हो, मतलब कि उन्होंने नमाज को नहीं छोड़ना, उनका ज़मीर जो था ना वो ज़िंदा था। क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जाते हैं जो दुनियावी लिहाज से आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन जो मेरे डैड थे वो दीनी लिहाज से आगे होना चाहते थे, और हमेशा वो ये कहते थे कि हमारी ज़िंदगी यहाँ पर 70 से साल है, हमने यहाँ से चले जाना, कुछ भी साथ नहीं लेके जा सकते, लेकिन हमें आखिरत के लिए देखना कि हमें लाखों करोड़ों साल, जिसका हमें पता ही नहीं है कि कब तक हमें उधर रहना है, तो उस घर के लिए क्या किया। और दूसरा मैंने उनसे पूछा था कि आपको ये नमाजों की जो आदत है ये कब से है, तो उन्होंने कहा था ये मुझे शादी से भी पहले की है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, वो मुझे एक दो मिसालें भी उन्होंने खुद भी दी, मैं लोगों से भी सुनता था कि कभी उन्होंने गलत काम नहीं किया। चाहते थे कि मेरी औलाद जो है 5 वक्त की नमाजी हो, तलावत का वो बहुत कहते होते थे, और ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बचपन से देखा है कि वो तहज्जुद पढ़ते थे, और वो अपने बचपन से तहज्जुद पढ़ते थे, और हमने कभी नहीं मतलब उन्हें देखा कि कोई फंक्शन है उसकी वजह से उन्होंने कोई मिस कर दी हो, घर में कोई फंक्शन हो कुछ हो, उन्होंने रात को 10 बजे कहना है कि मुझे बिस्तर दे दें क्योंकि मैंने सुबह उठना होता है, फिर मेरे लिए मुश्किल होता है। शहीद बहुत सी आला खूबियों के मालिक थे जिनका तस्करा आपके साहबजादों ने किया।
اور میں پھر اس چیز پہ انسسٹ کروں گا کہ میں ان کی اولاد ہونے کے لیے ہونے کے نظریے سے نہیں کہہ رہا، یہ فیکٹس ایسے ہیں کہ جو مجھے کہنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ بعض اوقات آفس میں کام کرتے تھے، ان کے جو کولیگز ہوتے تھے وہ ان کو بہت پریشان کرتے تھے۔ پریشان کیوں کرتے تھے؟ صرف اپنا پیسوں کی طرف سے جو ہے بینیفٹ لینے کے لیے، لیکن ڈیڈ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اس کی بنا پر ان کو بہت سی پریشانیاں ہوتی تھیں۔ اس وقت چونکہ ہم بچے تھے ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن پچھلے سال جب میں نے ان سے ایک دو کویسچن کیے تھے اسی طرح، تو انہوں نے بتایا تھا کہ بہت سی پریشانیاں ہوتی تھیں، بہت سے لوگ تنگ کرتے تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے مطلب کہ ان کے ضمیر کو نہیں مارا، انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق جو بھی ہے وہ کام کیا۔